परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे नाथन ब्राउन के जीवन के बारे में। इनका जन्म 22 सितंबर 1807 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1 जनवरी 1889। मूल स्थान न्यू इस्विच, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका। दर्शन असम, भारत, जापान। हम वास्तव में धन्य हैं कि हमारी मातृभाषा में, हमारे साथ में बाइबल है, लेकिन बहुत से लोगों के पास ऐसी धन्यता नहीं थी और परमेश्वर के कई दासों ने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए। नाथन ब्राउन एक अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशनरी थे जो असमिया भाषा पर अपने कामों के लिए प्रसिद्ध थे। न्यू इस्विच में जन्मे ब्राउन ने मैसाचुसेट्स के विलियम स्ट्राउन में विलियम्स कॉलेज से स्नातक किया। 25 साल की उम्र में वे अपनी पत्नी के साथ मिशनरी सेवा के लिए वर्मा की ओर निकल पड़े। वहाँ कुछ समय तक उन्होंने अनुवादों में कार्य अदोर्निया जटसन की मदद की। बाद में उन्हें भारतीय राष्ट्र असम में सेवा करने के लिए भेजा गया था। तब भी उपलब्ध असमिया बाइबल विलियम केरी द्वारा किया गया था अनुवाद था, जिसमें कई बंगाली और संस्कृत शब्द थे। ब्राउन ने खुद को शुद्ध असमिया भाषा में बाइबल का अनुवाद करने के लिए प्रतिबद्ध किया और सन 1848 में नया नियम प्रकाशित किया। उसी वर्ष उन्होंने असमिया व्याकरण पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की। इनके अलावा उन्होंने कुछ प्रार्थनाओं का अनुवाद किया, एक असमिया अंग्रेजी शब्दकोश का संपादन किया और कई अन्य ऐतिहासिक और विद्वानों की रचनाएं प्रकाशित की। असमिया भाषा को, जो तब एक मान्यता प्राप्त भाषा नहीं थी, ब्राउन के व्यापक साहित्य प्रयासों के माध्यम से अपनी पहचान पाई। बाद में वह अमेरिका लौट आए, जहां वह एक उन्मूलनवादी आंदोलन में शामिल हो गए और देश में दासता को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। 65 वर्ष की आयु में एक बार फिर वह जापान की विदेश यात्रा पर निकले। जापानी शहर योकोहामा में वह जापान के पहले बैप्टिस्ट मिशनरी जोनाथन स्कॉर्बी के साथ शामिल हुए। दोनों ने मिलकर सन 1873 में योकोहामा में पहला जापानी बैप्टिस्ट चर्च स्थापित किया। ब्राउन ने कम पीढ़े लिखे होने को बाइबल पढ़ना सुलभ बनाने के लिए एक साधारण पठनीय पाठ में जापानी बाइबल प्रिंट करने के लिए मेहनत की। सन 1886 में उन्होंने अपनी मातृभूमि से दूर उसी देश में अंतिम सांस ली। प्रिय, क्या आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे? तो आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कम पढ़े लिखे लोगों को बाइबल को सही रीति से समझाने के लिए मुझे अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।